एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि आपको यूजिंग द प्रॉपर्टी लगानी है और एक्सपेंड नहीं करना है, क्वेश्चन प्रूवडेट करना है। इस सवाल में R1, R2, R3, C1, C2, C3 छह तरीके होते हैं कॉमन लेने के। आपने देखा R1 से कुछ कॉमन नहीं है, R1 से कॉमन नहीं है, R2 से कॉमन नहीं है, R3 से कॉमन नहीं है, C1 से कॉमन नहीं है, C2 से कॉमन नहीं है, C3 से कॉमन नहीं है। अब आपने देखा कि B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B है। यहाँ Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। अगर मैं R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे आप, तो ऐसा चेंज लगाने पर देखो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए सी सी बी बी, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे इधर लिख सकते हैं हम 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, सब डबल हो रहे हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी नीचे ऐसे लिखना होगा आपको दोनों टर्म, R प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, टेकिंग द कॉमन R1 से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 मुझे प्रूफ में भी प्रूफ करना है, तो 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब आपको R1 की हेल्प से इन दोनों को यूज करते हुए थोड़ा सिंपल करना है। यहां सी प्लस ए है, यूज किसका करना है, R1 का, तो R2 चेंज R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज R3 माइनस R1। ऐसा करने पर मेरे डाटा R1 और R2 एंड R3, R2 और R3 ईजी बन जाएगी, देखते हैं कैसे। टू बाहर, A प्लस बी, यानी कि आपको R2 में से R1 चेंज करना, यानी कि R1 को घटाना है, तो C प्लस A माइनस बी माइनस सी, तो क्या रिजल्ट बचने वाला है, फिलहाल A प्लस बी प्लस सी तो ऐसे लिखना होगा, पी ये हमने चेंज नहीं की है, इसको ऐसे लिखना है। अब R2 में से R1 को माइनस करना है, तो माइनस करके क्या बचने वाला है, C कैंसिल हो गया, तो क्या बचने वाला है, क्या बचेगा, माइनस का बी, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का क्यू, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का वाई। ऐसे R3 चेंज R3 माइनस R1, यानी कि R3 में से R1 को माइनस करना है, क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का सी, माइनस का आर और माइनस का जेड। इसके बाद R1 चेंज ए प्लस बी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी, अगर मैं इन तीनों रो को आपस में ऐड करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 बाहर है, तो मेरी R1 ईजी हो जाएगी, ये माइनस का, तो यहाँ से A बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, P बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, X बचेगा, माइनस का B, माइनस का Q, माइनस का Y, माइनस का C, माइनस का R, माइनस का Z। R2 और R3 से माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, क्या माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 2 बाहर आएगा, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो प्लस बन जाएगा, तो A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z।
तो यही आपका रिजल्ट है, यही आपको प्रूफ करना था। थैंक यू।